हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 11, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह या अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो हमने अब तक पढ़ा फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। आज हम फिनॉल की कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़ेंगे। जैसे उसमें पहले आता है फॉर्मलीकरण। फॉर्मलीकरण में क्या होता है, हम आज पढ़ेंगे फॉर्मलीकरण। फॉर्मलीकरण का मतलब होता है फॉर्मिल समूह का यानी एल्डिहाइड समूह का जुड़ना। जब बेंजीन वाले पर एल्डिहाइड समूह जुड़ता है तो उसे फॉर्मलीकरण कहते हैं। एक होता है कार्बोक्सलीकरण। उसमें कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ता है तो उसे कार्बोक्सिलिकरण कहते हैं। और यदि वी कार्बोक्सिलिकरण कहे तो CO2 बाहर निकल जाती है उसमें। इस तरह से आज हम फॉर्मलीकरण में जो फर्स्ट अभिक्रिया है वो है हमारी गाटरमान अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं, पहली अभिक्रिया है गाटरमान अभिक्रिया। देखो होती क्या है गाटरमान अभिक्रिया, कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड व हाइड्रोजन साइनाइड के मिश्रण के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो एक मध्यवर्ती बनता है जो अम्लीय जल अपघटित होकर, अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होकर बेंजल्डिहाइड यानी ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है यानी एल्डिहाइड के यौगिक बनते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब फिनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड व हाइड्रोजन साइनाइड के मिश्रण के साथ जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो मध्यवर्ती एल्डिमीन बनता है जो अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होकर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो देखो अभिक्रिया होती कैसे है, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन साइनाइड अभिक्रिया करते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, इनको इसको ऐसे लिख सकते हैं HCl। ठीक है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं। तो देखो H प्लस का हो गया, प्लस का H कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास, और Cl कहाँ चला जाएगा, कार्बन के पास। तो ये क्या बनाता है यहाँ पर Cl CH डबल बॉन्ड और NH, इसको क्लोरोएल्डिमीन कहते हैं। एल्डिहाइड यौगिक है, नाइट्रोजन आ गया तो एमीन बन जाता है, क्लोरोएल्डिमीन कहते हैं। ये अभिक्रिया करता है फिनॉल से। अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम फिनॉल से। तो फिनॉल में यहाँ पर H होता है, ऑर्थो स्थिति पर जुड़ता है या पैरा स्थिति पर जुड़ सकता है, लेकिन ये यौगिक क्या होते हैं कि ज़्यादा मात्रा में कौन सा बनता है, पैरा स्थिति पर जुड़कर। तो हम इसको पैरा पर जोड़ते हैं, प्लस में अभिक्रिया कराते हैं Cl माइनस CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, या नाइट्रोजन है तो इसमें क्या होगा, इसका H और इसका Cl बाहर निकल जाएगा इस तरह से। यहाँ पर ये कार्बन प्लस माइनस का हो गया, प्लस के कार्बन से जुड़ जाता है तो ये यहाँ पर माइनस HCl बाहर निकलेगा और एक मध्यवर्ती बनता है जिसको हम एल्डिमीन कहते हैं। मध्यवर्ती क्या होगा, ये कार्बन जुड़ गया यहाँ से CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, तो ये एल्डिमीन कहलाता है, एल्डिमीन। एल्डिहाइड यहाँ पर O आता तो बेंजल्डिहाइड हो जाता है ये, तो एल्डिमीन ये क्या है, एक मध्यवर्ती है जो अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होता है H3O+। इसका मतलब है, इसको हम पहले भी बताया था, ऐसे भी लिख सकते हैं H2O+H+ ion। ठीक है, अम्लीय माध्यम में जल अपघटित कराते हैं तो जल की अभिक्रिया कराएंगे, इसमें H2O जोड़ेंगे। यहाँ पर देखो ये इसको अलग करना है ना, दो बंध तोड़ेंगे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच के, तो दो जल के अणु इसमें जोड़ने पड़ेंगे, प्लस यहाँ लिख देता हूँ 2H2O, और एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा माइनस H2O। ठीक है, तो देखो हिसाब कितना हुआ, ये तीन है, एक माइनस का है, दो प्लस के, इसकी जगह पर हम एक ही लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं H2O, सिर्फ एक H2O, क्यों, दो लिए थे एक बाहर निकल गया, और अमोनिया बाहर निकलती है माइनस NH3, लास्ट में अमोनिया निकलेगी और ये किसे बदल जाएगा, एल्डिहाइड समूह में बदल जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर
OH, तो इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यानी बेंजीन वाले में एल्डिहाइड समूह का जुड़ना क्या कहलाता है, फॉर्मलीकरण कहलाता है। तो ये क्या होता है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड इससे जुड़ गया, फॉर्मल समूह जुड़ा है तो फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं इसको। ये फिनॉल है तो ये अभिक्रिया कहलाती है गाटरमान अभिक्रिया। अब देखो ये जल अपघटन कैसे होता है अभी बताते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हर उसमें जल अपघटन होगा या अपचयन होगा एक ही तरीके से होता है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे मान लो ये हमारे पास बेंजीन वाले से ये फिनॉल से ये समूह जुड़ा हुआ है सी, इससे एच जुड़ा हुआ है, दो बंध से क्या जुड़ा हुआ है NH, ठीक है। जल के अणु लेते हैं HOH, ये बंध यहाँ पर आएगा, ये बंध यहाँ पर आएगा। देखो OH माइनस का हो गया, कार्बन प्लस का हो गया, ये उसका प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या बनता है अगली स्थिति में, इनको जोड़ दो यहाँ पर, तो हमारा जो अगला यौगिक बनेगा उसमें क्या होगा, एक बंध हट जाएगा यहाँ से और यहाँ पर क्या आ जाएगा NH, दो हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर क्या जुड़ गया OH। अभी भी इसको बंध को एक और तोड़ना है, फिर एक HOH और ले लो जल का, ये भी ऐसे ही होगा और ये अब यहाँ से ये बंध भी टूट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये H यहाँ पर आकर जुड़ेगा तो क्या बाहर निकल गया, ये NH3, और ये OH यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, तो हमारा यौगिक क्या बना, जैसे NH3 इसमें से बाहर निकाल दिया हमने तो एक OH और जुड़ गया इस पर, ये वाला, ठीक है। दो जल के अणु जोड़े हमने, दोनों जल के OH ये जुड़ गए, अब क्या होगा, एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा तो यहाँ से इसको इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस पर आते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये हमारा H2O बाहर निकल जाएगा। तो दो जल के अणु जुड़े थे, एक जल का अणु बाहर निकला, तो टोटल हमने यहाँ क्या लिख दिया, एक जल का अणु लिख रखा है और अमोनिया बाहर निकली है और ये एल्डिहाइड में बदल जाता है। ये गाटरमान अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसलिए इसको इस तरह से समझाया है। तो लैंग्वेज कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाटरमान अभिक्रिया का। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया होगी हमारी, वो है राइमर टीमान अभिक्रिया। देखो ये है राइमर टीमान अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, कई बार आती है, दो तरीके से आती है, फॉर्मलीकरण और कार्बोक्सिलीकरण, दोनों में थोड़ा ही अंतर है, प्रोसेस वही होता है। तो इसमें अभिक्रिया क्या लिखी हुई होती है इस तरह से, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, क्षार के साथ, कोई भी क्षार ले सकते हैं NaOH या KOH, प्लस में क्लोरोफॉर्म, इनको अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये ऑर्थो स्थिति पर एल्डिहाइड समूह आ जाएगा और ये बन गया, प्लस में के NaCl लेंगे, NaCl और H2O बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर देखो यदि KOH लेते हैं तो KCl बाहर निकलेगा और जल का अणु बाहर निकल जाता है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये कहलाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब ये देखो होती कैसे है अभिक्रिया में, ये देखना है कि सबसे पहले फिनॉल से क्षार अभिक्रिया करता है और सोडियम फिनोक्साइड बनाता है। सबसे पहले अभिक्रिया क्या होती है, ये तो बुक में लिखी हुई है इस तरह से, है ना, कई बार समझने के लिए मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ इसमें कि फिनॉल की जो अभिक्रिया सबसे पहले किससे होती है, क्षार से, NaOH से अभिक्रिया करता है और सोडियम फिनोक्साइड आयन बनाता है ONa, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, जल का अणु बाहर निकल जाएगा माइनस H2O। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको ये इसका नाम लिख देंगे सोडियम फिनोक्साइड आयन। अब ये सोडियम फिनोक्साइड आयन की अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, तो इसमें एक मध्यवर्ती बनता है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरह से CHCl3। अब देखो ये क्लोरोफॉर्म कहाँ पर जुड़ेगा, ऑर्थो स्थिति पर जुड़ेगा, ऑर्थो स्थिति पर क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन होता है तो ये क्या करता है, क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करता है और यहाँ पर एक HCl बाहर निकल जाता है, क्लोरोफॉर्म का एक Cl अभिक्रिया करेगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस HCl, हम बाहर निकल गया। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये बन गया मध्यवर्ती ONa,
ठीक है। और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, CHCl2, दो Cl बचे हैं, ये मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती। अब इस मध्यवर्ती की अभिक्रिया कराते हैं क्षार के साथ, NaOH के साथ कराते हैं। क्षार का एक अणु तो यहाँ आ गया काम में, यहाँ भी लिखते हैं NaOH। क्षार के कितने अणु लेंगे, दो अणु लेंगे, हमें दो Cl बाहर निकालने हैं, तो यहाँ पर माइनस दो NaCl बाहर निकल जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर क्या बनेगा, ये मैं एक एक स्टेप इसलिए बता रहा था कि समझ में आ जाए, ONa। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, CHOH, यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें से ये परिवर्तन होगा, रीअरेंजमेंट होगा इसका, कैसे होगा कि NaOH यहाँ पर बाहर निकलेगा, तो किस तरह से निकालते हैं हम, ये बंद का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ठीक है, H अलग हुआ, H कैसा है, प्लस का, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, ये माइनस का हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये OH यहाँ से निकलेगा और ये इस तरह से हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे। देखो यहाँ पर जो फिनोक्साइड आयन है, इसका सोडियम बाहर निकलता है और इसके एक जल काणु बाहर निकल जाएगा H2O, और एल्डिहाइड बन जाता है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अगले स्टेप में निकाल लेंगे, पहले हम यहाँ पर इसका जल काणु निकाल देते हैं, इसको यहीं पर रहने दो, इसको बाद में कर देंगे। यहाँ से जल काणु निकाला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, डबल बॉन्ड हो गया, ये OH माइनस का हो गया, तो यहाँ लिख देंगे माइनस H2O, ठीक है, ये जल काणु बाहर निकल गया। यहाँ पर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो हमारे पास जो संरचना बनी है वो क्या है, ये बना है ONa, और यहाँ पर क्या लिख दें अब, सी डबल बॉन्ड OH, यानी एल्डिहाइड समूह जुड़ गया है। अब हमें इसको भी हटाना है यहाँ पर, तो क्या करते हैं, अब देखो इसमें और तो एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है, जुड़ गया, अब इसका जल अपघटन करा देंगे अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, या इसको H3O+ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, माइनस NaOH बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, OH फिनोल हो गया, और यहाँ पर एल्डिहाइड समूह, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये हुई हमारी राइमर टीमान अभिक्रिया, इस तरह से है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ पर देखो अम्लीय माध्यम में हम H3O भी ले सकते हैं, या हम यदि HCl लेते हैं अम्लीय माध्यम में, तो क्या बाहर निकलेगा, NaCl बाहर निकलेगा, है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अम्लीय माध्यम में यूज करते हैं, चाहे वो H3O हाइड्रोनियम आयन हो या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं तो यहाँ NaCl बाहर निकलेगा, और यदि H3O लेते हैं तो NaOH बाहर निकल जाएगा क्षार में। तो यहाँ पर देखो क्या निकाला हुआ है, NaOH लिया है या NaCl लिया है ना, तो हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं। अगर मान लो जल लेंगे तो वहाँ पर NaOH बाहर निकलेगा, NaCl भी बाहर निकलेंगे। तो ये हो गया राइमर टीमान अभिक्रिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है, फॉर्मलीकरण की अभिक्रिया पढ़ेंगे हम। देखो ये फॉर्मलीकरण हो गया है ना, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसी में क्या पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलीकरण पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलीकरण, ठीक है, इसका मतलब होता है COH समूह का जुड़ना, क्लियर है। तो कार्बोक्सिलीकरण में भी राइमर टीमान अभिक्रिया होती है, तो वो भी क्या होगी, जैसे मान लो इसमें कार्बोक्सिलीकरण में फर्स्ट है राइमर टीमान अभिक्रिया, इसके पीछे लिख देना कार्बोक्सिलीकरण, इसका मतलब है ये उससे डिफरेंस है, सेम अभिक्रिया है, थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि जब फिनोल की अभिक्रिया NaOH या KOH की उपस्थिति में किसके साथ कराते हैं, क्लोरोफॉर्म की जगह क्या लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, यानी कार्बन
टेट्रा क्लोराइड के साथ कराई जाती है। तो और तो स्थिति पर एल्डिहाइड समूह के जगह क्या जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाता है, COS समूह जुड़ जाता है और क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, इसको सैलिसिलिक अम्ल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, ये बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। अभिक्रिया सेम होती है, सिर्फ क्या लिखना होता है, अभिक्रिया ये है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे CCl4 और यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह आ जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। अब मान लो एग्जाम में आ जाए राइमर टीमान अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस तरह क्वेश्चन आए तो आप सीधा कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों एग्जाम्पल में से कोई सा भी लिख सकते हैं। अगर पूछे कि राइमर टीमान या फॉर्मूलीकरण बताइए, फॉर्मूलीकरण या कार्बोक्सिलीकरण के नाम से पूछे तो हम इनको अलग अलग लिखेंगे, मैकेनिज्म वही होती है, क्रियाविधि वही होती है, NOS से भी क्रिया होगी, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, CCl4। तो देखो अभिक्रिया कैसे होती है, उसमें यहाँ पर NOH है, यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, एक Cl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर एक तीसरा Cl भी जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर जो यौगिक मध्यवर्ती बनेगा वो क्या होगा, Cl, तीन Cl हो गए, एक दो तीन, तो यहाँ कितने NOH की जरूरत पड़ेगी, तीन की, कितने NaCl बाहर निकलेंगे, तीन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सेम है, मध्यवर्ती बना, ये बन गया। तो यहाँ पर OH कितने आएंगे, अब यहाँ पर कितने Cl थे, एक दो तीन, तो यहाँ पर क्या लगा दें, तीन OH लगा दो, OH और OH, ठीक है। अब इसमें देखो एक जल का अणु बाहर निकाल दो, कोई सा भी निकाल सकते हो, जैसे मान लो बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और एक OH बाहर निकाल दिया यहाँ पर, तो ये हमारा जल का अणु बाहर निकल गया, इस तरह से, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है, साफ दिख रहा है ये यहाँ, ठीक है। अब ये एक OH बचा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H की जगह पर OH आ गया, क्लियर है। अब हम आगे जैसे अभिक्रिया कराते हैं, उसमें हमने अम्लीय माध्यम में H2 वो जल का लिया था, या HCl लेके लेते हैं, HCl लेंगे तो क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पर, यहाँ पर अम्लीय माध्यम में HCl से अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ पर तो हमारा क्या आ गया, सी डबल बॉन्ड OOH, तो क्या बाहर निकलेगा, -NaCl बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल। तो ये हो गई राइमर टीमान अभिक्रिया, कौन सी, राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, और राइमर टीमान फॉर्मूलीकरण दोनों सेम है, एक अंतर होता है, वहाँ पर क्लोरोफॉर्म लिया था, यहाँ पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेते हैं, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये कार्बोक्सिलीकरण में राइमर टीमान अभिक्रिया हो गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे वो देखो नेक्स्ट है कोलबे से अभिक्रिया या कोलबे सिम्ट अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, मैंने लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया है, पहले हम इसको पहले की तरह भी लिख सकते हैं, फिनोल की अभिक्रिया NOH के साथ कराने पर सोडियम फिनोक्साइड बनता है, जिसे CO2 के साथ उच्च दाब व 398 केल्विन ताप पर गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है ना, बीच में और भी स्टेप होते हैं लेकिन उनको सी डायरेक्ट लिख दिया है, जो अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होकर सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि जब फिनोल की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में CO2 के साथ उच्च दाब व ताप की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है, इतना भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज इतना मायने नहीं रखती जितना अभिक्रिया मायने रखती है, तो आप अभिक्रिया को ठीक समझें। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि फिनोल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, NaOH से करा रहे हैं, उसी की तरह जैसे उसमें राइमर टीमान में कराया था, तो क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड बनता है, ONa, ठीक है, यहाँ पर -H2O बाहर निकल गया, ये बन गया हमारा सोडियम फिनोक्साइड, क्लियर है यहाँ तक। अब इसकी अभिक्रिया आगे हम किससे कराते हैं, CO2 से कराते हैं, CO2 को
सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से लिखते हैं। CO2 है, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है बेंजीन वाले में, ऑर्थो मेटा पैरा स्थिति पर सब पर हाइड्रोजन पाया जाता है। अब हमें ऑर्थो स्थिति पर इसको जोड़ना है कार्बोक्सिलिक समूह को, तो क्या करते हैं इसमें, जैसे मान लो देखो दो तरीके हैं, अलग बुक्स में अलग भी दे रखा होगा, है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इसके पास आया, ऑक्सीजन कैसा हो गया, माइनस का हो गया, कार्बन कैसा हो गया, प्लस का हो गया। यहाँ से हाइड्रोजन निकला ये, ठीक है, ये हाइड्रोजन कैसा निकला, प्लस का हाइड्रोजन है। अब देखो प्लस का हाइड्रोजन यहाँ भी जा सकता है, इसके मैंने कहा तभी कह रहा हूँ दो होंगे तरीके, या तो ऐसे लिख दो कि ये हमने लिख दिया इस तरह से, होता ऐसे ही है, बीच में स्टेप मैंने हटा दी है, मैं डायरेक्टली इसमें लिख रहा हूँ, जबकि बाद में बताएंगे कि होता क्या है बीच में। ये यहाँ पर आया और यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये ऑक्सीजन। तो देखो प्लस माइनस को कैसे जोड़ना है, यहाँ पर माइनस का ऑक्सीजन है, प्लस का हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा यहाँ पर, एन ए यहाँ से हटा, ये एन ए जुड़ जाएगा, एन ए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एच चला जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये जुड़ गए, तो क्या बन गया, ये बीच में एक मध्यवर्ती बन गया, यहाँ पर आ गया ओ एच, एच यहाँ से गया यहाँ आ गया, एन ए यहाँ से हटा इसके पास आ गया। ये कार्बन कहाँ पर जुड़ता है, ये कार्बन इस कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा, बेंजीन वाले के कार्बन पर, हमने इसको यहाँ जोड़ दिया। नीचे क्या आ गया, डबल बॉन्ड ओ, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर ही, सिंगल बॉन्ड ये ओ, ओ के आगे क्या जुड़ा, एन ए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सोडियम सैलिसिलेट बन गया, इसको क्या कहते हैं, सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है, ये मध्यवर्ती बना है। अब देखो ये बना कैसे है, मैंने इसमें एक में ही बता दिया है, जबकि होता कैसे है, वास्तव में इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर हमारा ओ एन ए था, इसकी अभिक्रिया किससे कराई, सी ओ टू से कराई, ठीक है, हमने यहाँ से H निकाला, H का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, इसका ये यहाँ पर है, सीधा पहले इसको इससे जोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये बन गया हमारा C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक समूह हो गया, यहाँ पर ONA। अब इसका क्या कराते हैं, अम्लीय माध्यम में जलापटन कराते हैं H3O+ में, तो क्या हो जाएगा, माइनस NaOH बाहर निकलेगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ OH आ गया, यहाँ पर COH आ गया, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अब मैं इसका यहाँ से कर रहे हैं, इसका आगे क्या करते हैं, अम्लीय माध्यम में जलापटन कराते हैं, एसिडिफिकेशन, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, एसिडिफिकेशन कराने पर यहाँ पर देखो HCl भी ले सकते हैं और जल का अणु भी ले सकते हैं, है ना, कोई सा भी लो, अगर हम मान लो यहाँ पर HCl ले लिया तो कैसा माध्यम हो गया, अम्लीय हो गया, या फिर H3O ले सकते हैं, तो HCl लेंगे तो यहाँ पर NaCl बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर जल का अणु लेंगे तो NaOH बाहर निकलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माध्यम अम्लीय होना चाहिए। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, OH और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसे कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ये राइमर टीमान है, कोल्बो अभिक्रिया है ना, ये मिलती जुलती सी अभिक्रियाएं हैं, तो ध्यान से करना। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इससे को ऐसे गोले में ले लो, ये मैंने ऐसे ही बता दिया है, थोड़ा याद रहे, ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज मत होना, सर ने ये बताया हमारा तो ये बन गया, है ना, इस प्रोसेस यही है, सेम है दोनों, है ना, हमने इसको एक ही पद में कर दिया है दोनों को, इस तरह से एरो लगाकर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो सैलिसिलिक एसिड बना है। कोल्बे-सिम्ट अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, कार्बोक्सिलीकरण में दो हैं, राइमेटीमान और कोल्बे-सिम्ट अभिक्रिया आपके, और फॉर्मुलीकरण में भी राइमेटीमान अभिक्रिया आती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे हम, संघनन अभिक्रियाएं। इसके बाद है संघनन अभिक्रियाएं, कंडेंस रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो इनमें क्या होता है कि छोटे अणु का निष्कासन होता है, जल हो चाहे HCl हो चाहे अमोनिया हो, ज़्यादातर इनमें जल के अणु का निष्कासन होगा, तो संघनन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें फर्स्ट हम लिखते हैं एसीटोन से अभिक्रिया, एसीटोन से अभिक्रिया, यानी जब फिनॉल की हम अभिक्रिया एसीटोन से कराते हैं तो वह संघनित होकर
बिसफिनॉल ए बनाता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसमें फिनॉल के दो अणु काम में लेते हैं, हम एसीटोन की अभिक्रिया कराते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हो गया एसीटोन, 2-प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया फिनॉल से कराते हैं, देखो फिनॉल को इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर OH लगा दिया, इसके दो अणु लेंगे OH, इसकी जो पैरा स्थिति पर H होते हैं, होते तो मेटा ऑर्थो पर भी हैं, है ना, तो ये पैरा स्थिति के H काम में आते हैं, यहाँ से हमारा जल का अणु निकल जाएगा और क्या बनेगा, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, ये सांद्र, HCl भी ले सकते हैं और H2SO4 भी ले सकते हैं, इसकी उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो बिसफिनॉल ए बनता है। तो इसको -H2O लिख दो, यहाँ पर क्या बनेगा CH3 और CH3, यहाँ पर देखो कार्बन है, कार्बन से दो फिनॉल जोड़ दो इस तरह से, OH और OH, ये बिसफिनॉल ए कंपाउंड बन गया। तो ये हो गया एसीटोन के साथ अभिक्रिया, संघनन अभिक्रियाएं। इसके बाद है बेंजीन डाई एजोनियम लवण से अभिक्रियाएं, सेकंड क्या है बेंजीन डाई एजोनियम लवण से अभिक्रियाएं, ठीक है, नाम सुना है, पहले भी आई थी बेंजीन डाई एजोनियम अभिक्रियाएं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसमें क्या करते हैं फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं, किससे कराएंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, लवण ले सकते हैं कोई सा भी, तो यहाँ पर फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं हम, ये हो गया हमारा फिनॉल, इसमें यहाँ पर H होता है, बेंजीन डाइओजेनियम की अभिक्रिया कराते हैं, तो जैसे क्लोराइड है N2 है और बेंजीन बल है, ये क्या कहलाता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इन लवण लेते हैं, इसमें से HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसको गर्म किया है हमने, यहाँ पर बन गया ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी, दो नाइट्रोजन है ये, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। देखो इसको हटा दो तो ये एजो बेंजीन कहलाता है ना, अब पैरा स्थिति पर हाइड्रोक्सी समूह है तो क्या बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है, ये बन गया, इसमें माइनस HCl बाहर निकलता है, ये अभिक्रिया हो गई हमारी संघनन अभिक्रिया, एसीटोन से अभिक्रिया और बेंजीन डाइएजोनियम लवण से अभिक्रिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद और अभिक्रिया कराएंगे, संघनन अभिक्रियाओं में ही है सभी, अब लैंग्वेज लिख सकते हो, कैसे लिखोगे कि जब एसीटोन की अभिक्रिया, ये हमने क्या लिए हैं फिनॉल, एसीटोन की अभिक्रिया फिनॉल के साथ सांद्र अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बिसफिनॉल बनता है, ऐसे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनॉल से कराने पर के साथ गर्म करने पर पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी वो है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, नाम सुना होगा थैलिक अम्ल यानी थैले समान संरचना, इसका मतलब इसमें बेंजीन वलय जुड़ी हो, ऐसा अम्ल इसमें बेंजीन वलय जुड़ी हो, थैलिक एनहाइड्राइड, देखो थैलिक एनहाइड्राइड क्या सूत्र होता है, इसमें क्रियात्मक समूह एनहाइड्राइड होता है, अब एनहाइड्राइड को हम क्या लिखते हैं, ये समूह होता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड डैश एनहाइड्राइड का, है ना, अगर मान लो इन बंधों को हम कार्बन यानी बेंजीन वलय से जोड़ दें इस तरह से, यहाँ पर ये बेंजीन वलय है, ये कार्बन इससे जुड़ गया और यहाँ पर ये बेंजीन वलय बना दी, थैले समान संरचना हो गई ये, ठीक है, तो इसको कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। तो इसको थोड़ा सा सही बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो ये सीधा बंद तो होता नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं तो ये थोड़ा सा मुड़ जाता है और ये इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड हो गया, तो इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं हम फिनॉल से कराते हैं, तो हम इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर
सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, थैलिक एनहाइड्राइड। क्या है ये? थैलिक एनहाइड्राइड, क्लियर है। इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं? फिनोल से कराते हैं हम। फिनोल के दो अणु लेते हैं भाई, फिनोल के दो मोल काम में लिए जाते हैं। तो फिनोल से जब अभिक्रिया कराते हैं, फिनोल में H और यहाँ पर लगा दिया हमने OH, ये बल है। एक हाइड्रोजन होता है पहला स्थिति पर, प्लस में दूसरा फिनोल का अणु भी इस तरह से लेंगे OH, ठीक है। अब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, दोनों को गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, कंसंट्रेट अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो जल के अणु का निष्कासन होता है और एक फिनोफ्थलीन सूचक बनता है, इंडिकेटर बनता है H2O। यहाँ पर क्या लिख देंगे? फिनोफ्थलीन, सी डबल बॉन्ड ओ ओ। तो यहाँ पर दो बेंजीन वाले जोड़ दो, पहला स्थिति पर OH है, इसको बोलते हैं फिनोल थैलीन, ये सूचक के काम आता है, रंजक होता है। तो ये हो गया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। संघनन अभिक्रियाओं में है तो हमारी संघनन अभिक्रियाएं तीन हो गई हैं, बेंजीन डायोजेनियम्स के साथ, एसीटोन के साथ और थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। ये क्या है? फिनोल है। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है, थोड़ी इम्पोर्टेंट भी है, इसको हम लेडर मानसे अभिक्रिया कहते हैं, लेडरर मानसे अभिक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, लेडरर मानसे अभिक्रिया है, ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं, बिल्कुल सिंपल है। हमने पॉलीमर वाले चैप्टर में पढ़ी भी थी। इसमें क्या लिखते हैं कि जब फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है तो ऑर्थो ऑब्लिक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनता है। ये बना था ना, ऑर्थो पैरा का मिश्रण बनता है, तो उनमें पैरा ज़्यादा मात्रा में बनता है, ऑर्थो कम मात्रा में बनता है। तो ये जो मिश्रण बनता है, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, ये आगे संघनित होकर बहुलक बड़ी श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं, जैसे बैकलाइट बहुलक का निर्माण इन्हीं के माध्यम से होता है। तो फिनोल की अभिक्रिया किससे कराते हैं हम? फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड का ये फॉर्मूला होता है इस तरह से, ठीक है। इससे अभिक्रिया कराएंगे तो किसकी उपस्थिति में? तनु अम्ल भी हो सकता है या क्षार भी ले सकते हैं। अभिक्रिया कराते हैं तो जो मिश्रण बनता है ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी का बनता है। यहाँ पर ये CH2OH प्लस में CH2OH और OH, तो ये तो कहलाता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। ये कहलाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। ये मिश्रण बनता है, इसमें ये वाला क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी अधिक मात्रा में बनता है, और ये माइनर प्रोडक्ट होता है, यानी कम मात्रा में बनता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनते हैं। देखो बनते कैसे हैं, ये अभिक्रिया है, यहाँ पर H होता है, ऑर्थो पर भी H होता है, ठीक है। समझा रहा हूँ इसको, पहले इसको यहाँ पर ये इधर आया, कार्बन कैसा हो गया? प्लस का। ऑक्सीजन कैसा हो गया? माइनस का। ये इधर आया, ये अंदर ही क्यों जाता है? क्योंकि वाले में माइनस इलेक्ट्रॉन घनत्व घूमता है, है ना, ऑर्थो पैरा स्थिति पर। तो ऑर्थो पैरा पर हमेशा माइनस ही आएंगे, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा इसमें।
तो यहाँ पर आया ये कार्बन माइनस का हुआ, एच प्लस का हुआ, प्लस माइनस जोड़ दो, प्लस का कार्बन माइनस के कार्बन से जुड़ेगा, है ना, ये प्लस का एच यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और सिंगल बॉन्ड हो गया। तो क्या बन जाएगा ये, या तो ऑर्थो या वो पैरा या ऑर्थो समावयवी बनते हैं। इस तरह से इनकी अभिक्रियाएँ होती हैं। तो ये लेडर और मानसे अभिक्रिया, तो संघनन अभिक्रियाएँ कंप्लीट हो गई हैं, है ना। फॉर क्या लिखते हैं, एसीटोन के साथ, बेंजीन डाइयोजिनियम क्लोराइड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और थैलिक एनहाइड्राइड के साथ हमने अभिक्रियाएँ पढ़ी इसकी, फिनॉल की। तो ये संघनन अभिक्रियाएँ जिनमें से जल के अणु का निष्कासन या कोई छोटे अणु का निष्कासन होता है। अब देखो यहाँ पर कोई जल के अणु का निष्कासन नहीं हुआ, आगे होगा। इनमें से पैराहाइड्रोक्सी क्या होता है, संघनित होकर होता है और एक बड़ी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है जिसे बहुलक कहते हैं, वो नवलक श्रृंखलाएं कहलाती हैं। और नवलक श्रृंखलाएं आपस में संघनित होकर बैकलाइट बहुलक बनाती हैं। तो पॉलीमर का निर्माण इस अभिक्रिया से होता है। इसके बाद एक और है, लास्ट लिखना चाहो, हाइड्रोजनीकरण, बहुत ही ईजी है। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। जब फिनॉल में का हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो हाइड्रोजन इस पर वलय पर जुड़ जाते हैं और ये वलय से डबल बॉन्ड हट जाते हैं, तो क्या बनता है, साइक्लोहाइड्रोकार्बन बनता है। देखो सिंपल सी अभिक्रिया आपने पढ़ी भी है, हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजन का जुड़ना या अपचयन अभिक्रिया, है ना। धातु की उपस्थिति में कराते हैं कि जब फिनॉल का अपचयन, फिनॉल का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर OH होता है, इसका हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, तो किसकी उपस्थिति में, धातु उत्प्रेरक की में, निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम धातु की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड हटता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगी, एक यहाँ जुड़ेगी, दो हाइड्रोजन, तीन चार पाँच छः हाइड्रोजन जुड़ती हैं, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, तीन H2 के अणु, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएंगे, तो हमारे पास ये यौगिक बन गया। इसका नाम क्या होगा भाई, अब ये असंतृप्त था वो संतृप्त हो गया, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में बदल गया, तो इसका चक्रीय यौगिक होगा। एक कार्बन, दो तीन चार पाँच छः, तो छः कार्बन है, चक्रीय यौगिक है, साइक्लोहेक्सेन हो गया और अल्कोहल इससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल, यानी साइक्लो चक्रीय हो गया, हेक्सेन प्लस में ऑल। तो ये हो गई हमारी फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ईथर, ईथर का वर्गीकरण, ईथर का नामकरण, उसको बनाने की विधि और रासायनिक अभिक्रियाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।